और अहम खबर इस वक्त है, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, 9 लोकसभा सीटों पर सहमति बन गई है, ये जानकारी आ रही है। दीपक गौरिया की तरफ से बयान सामने आ रहा है, आपको बता दें कल सीसी की बैठक में इन नामों पर चर्चा होगी। भूपेंद्र सिंह हुडा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये एक बड़ा बयान सामने आया दीपक गौरिया का, और ज़्यादातर नाम सिंगल हैं। अब सब संतुष्ट हो जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो एक इंक्लूसिवनेस समाविष्टता से जो चलती है उसका वो पूरा एक आईना बन के रहेगी। लंबे समय से आप हरियाणा में कार्य कर रहे हैं, 10 सीट पे आपने उम्मीदवार भाजपा के देख लिए, आप खुद कितने सेटिस्फाई हैं नामों से? सर मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हमारी 10 में से 10 सीटें आएगी, इंक्लूडिंग आपके एक सीट के साथ। लोकसभा में महिला उम्मीदवार कितनी हो सकती है? ये तो एक वो नाम भले नहीं, लेकिन कितनी महिला उम्मीदवार हो सकती है? एक से दो हो सकती है, एक से दो हो सकती है, दो सीटों पर एक से दो हो सकती है। शैलजा जी के नाम की चर्चा है सर? जरूर से है। सर हुड्डा साहब की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नाम की चर्चा है? नहीं, वो नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे। ही सपोज टू लीड द पार्टी, जो है CLP है, उसके परिवार से दीपेंद्र लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ेंगे। चौधरी सर, एक विधानसभा भी है, उस पर क्या बाद में चर्चा होगी? बाद में चर्चा होगी, एक दो दिन के बाद में चर्चा होगी। ब्रजिंदर सिंह को भी सर रिकमेंड किया गया है कि नहीं, क्योंकि अब तो आ चुके हैं आप लोगों के कांग्रेस में? वो कई चीज़ें आपसे प्रेस मीडिया से डिस्कशन के लिए नहीं होती है, तो आप मेरी, मैं आपकी माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने इस बैठक के खत्म होने के बाद बयान दिए हैं, और उसके मुताबिक आपको बता दें 9 लोकसभा सीटों पर सहमति बन गई है, कल सीएसी की बैठक में इन नामों पर चर्चा होगी। बड़ी बातें और सामने आई हैं, भूपेंद्र सिंह हुडा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ज़्यादातर नाम सिंगल हैं, एक से दो उम्मीदवार महिला हो सकती हैं। कुमारी शैलजा क्या चुनाव लड़ेंगे? जी मीडिया की तरफ से सवाल किया गया, उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, उनके नाम पर चर्चा है। भूपेंद्र सिंह हुडा को लेकर सवाल किया गया जी मीडिया की तरफ से, उन्होंने कहा कि नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये जानकारी भी उन्होंने दी है कि एक से दो उम्मीदवार महिला हो सकती हैं। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद देर रात तक लिस्ट जारी हो सकती है, दीपक बावरिया की तरफ से ये बयान सामने आए हैं। तो बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, आपको बता दें कि 9 लोकसभा सीटों पर सहमति बन गई है, यहाँ प्रत्याशियों का ऐलान किया जाना है कांग्रेस की तरफ से, और कल अब सीईसी की बैठक में इन नामों पर चर्चा होगी जिन पर सहमति बन चुकी है। दीपक गौरिया ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुडा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आपको बता दें कि ये भी उन्होंने जानकारी साझा की है कि जो उम्मीदवार 9 के 9 घोषित किए जाएंगे उनमें एक से दो उम्मीदवार महिला भी हो सकती हैं। जी मीडिया की तरफ से ये सवाल किए गए थे, और हाँ, सीधे हम रुख कर सकते हैं विनोद लांबा का, हमारे साथ जी हरियाणा डिप्टी एडिटर जुड़ गए हैं। विनोद, बहुत स्पष्ट बातें सामने आ गई हैं कुल मिलाकर कह सकते हैं कि, और दीपक गौरिया ने स्पष्ट कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुडा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन तमाम और नामों पर सहमति बन गई है, क्या मानकर चला जाए अब कल केंद्रीय कमेटी की जो बैठक होगी? देखिए, तीन बड़ी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात कि 9 के 9 जो नामों पर चर्चा हो चुकी है, उपचुनाव के लिए करनाल विधानसभा का जो उपचुनाव है उसके नाम पर अभी चर्चा नहीं हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 9 नामों पर चर्चा के बाद 9 लोकसभा उम्मीदवारों के चर्चा पर ज्यादा से ज्यादा जो नाम है सिंगल भेजे गए हैं, सिंगल रिकमेंडेशन भेजी गई है। कुमारी शैलजा का नाम है दावेदारों की लिस्ट में, ये एक चीज बिल्कुल साफ कर सकते हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम किसी लोकसभा सीट पे नहीं है, उसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। रोहतक पर स्थिति लगातार साफ होती जा रही है, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को ही कांग्रेस आलाकमान के पास नाम के तौर पर, सिंगल नाम के तौर पर भेजा जाएगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, सूत्रों के मुताबिक फिल्म अभिनेता राज बब्बर भी हरियाणा की लिस्ट में दावेदारों में शुमार हैं। उनके नाम को लेकर चर्चा काफी लंबे समय से थी, लेकिन हमारे सोर्सेज ने हमें साफ तौर पर इंडिकेट किया है कि राज बब्बर के नाम की दावेदारी खत्म नहीं हुई है और उनका नाम कल भेजा जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए। तो 6 बड़ी बातें इस समय इस बैठक से निकली हैं। सारे नामों पे चर्चा हो चुकी है, बहुत लंबी बैठक चली नहीं क्योंकि सुबह बैठक हो चुकी थी, उसके बाद हुआ क्या है कि 9 के 9 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा हुई है, सब पर लगभग स्क्रीनिंग कमेटी की सहमति बनी, ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल नाम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, उनका नाम रिकमेंडेशन में बिल्कुल नहीं है। कुमारी शैलजा का नाम है, अब वो अम्बाला से हो या सिरसा से हो ये देखने वाली बात होगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ, फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के जो लीडर हैं राज बब्बर, इन 9 में कहीं ना कहीं दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीट कौन सी हो सकती है? सीट उनकी हो सकती है कहीं ना कहीं
गुरुग्राम को लेकर राज बब्बर के नाम की चर्चा लगातार थी और अभी भी हमारे सोर्सेज उस नाम को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। बहुत हद तक संभव है कि अगर सिंगल पैनल के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जाएंगे, केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठेंगे, तो कल नामों पर अंतिम मोहर लगने का काम हो सकता है। अभी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से है कि 4 बजे वाली होने वाली बैठक में कब हरियाणा का नंबर आता है और देर रात तक क्या उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाए या फिर उससे अगले दिन। तो ये 4-5 बड़ी बातें हैं जो इस मीटिंग के बाद सीधे सबसे पहले हम जी मीडिया के दर्शकों के सामने रख रहे हैं। विनोद, जैसा आप कह रहे हैं राज बब्बर को लेकर के कि वो भी इनकार अभी नहीं किया जाएगा, सूत्रों के मुताबिक वो नाम है रेस में, तो अगर राज बब्बर के तौर पर हम 9 की 9 सीटों पर देखने को अगर ये आकलन करने की कोशिश करें तो कहां की दावेदारी हो सकती है, किस सीट की दावेदारी हो सकती है? मनोज, मैंने साफ तौर पे नाम लिया लोकसभा सीट का। अभी तक की जो जानकारी है, अभी तक मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कहीं अगर प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन बिगड़ जाया करती है केंद्रीय चुनाव समिति के सामने, अभी तक की जो जानकारी है राज बब्बर की जो दावेदारी है वो गुरुग्राम लोकसभा सीट से है। ये हम सोर्सेज के हवाले से बाकायदा ऑन कैमरा कह रहे हैं और ऑन कैमरा चला रहे हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिसको लेकर राज बब्बर की जो दावेदारी है बहुत मजबूत है। और अगर 1 से 2 नामों का जिक्र, चूंकि आपने सवाल किया था दीपा गौरिया से, एक या दो महिला कैंडिडेट हो सकती है, ठीक है, एक कुमारी शैलजा का नाम हम ले रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट का भी अगर कोई नाम महिला के तौर पर फाइनल हो सकता है, क्या हम कुछ बता सकते हैं इस वक्त? देखिए, नाम नहीं, चर्चा जरूर थी रेणु बाला के नाम की, जो विधायक है उनकी अम्बाला से लड़वाने की चर्चा जरूर थी। अब ये महत्वपूर्ण होगा क्या उसके अलावा भी कोई और नाम है। श्रुति चौधरी को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते, वो महेंद्रगढ़ भिवानी से टिकट की दावेदार है, पहले चुनाव लड़ चुकी है, किरण चौधरी की बेटी है, बंसीलाल परिवार से आती हैं, तो ऐसे में महत्वपूर्ण नाम है। सोनीपत को लेकर क्या है, क्या कोई सरप्राइज है? ये लिस्ट को लेकर कांग्रेस के जो लीडर्स का कहना है, खासतौर से प्रभारी का कहना है कि सशक्त उम्मीदवार देने का हम काम करेंगे और बड़ी जीत हासिल करने का काम करेंगे। 2-3 नामों को लेकर जो कहा महिलाओं में, एक साफ तौर पर यहां कुमारी शैलजा का नाम आता है। इसके अलावा अगर आप बात करें रेणु बाला जिस तरह से है वो भी इस तरह से नाम नजर आता है, और कहीं ना कहीं जो श्रुति चौधरी की दावेदारी है उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। 1 से 2 सीट पर अगर महिला उतारी जाती है जिस तरह से लग रहा है, तो कम से कम 1 सीट पर तो आप मान के चलिए कि महिला उम्मीदवार जरूर उतरेंगी, और अगर शैलजा के नाम पर सहमति बनती है तो फर्स्ट चॉइस के तौर पर वो महिला उम्मीदवार कुमारी शैलजा हो सकती है हरियाणा में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव। लेकिन कुल मिलाकर सही है, आपने पहले भी कहा कि ये जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में क्या निकलता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कल की बैठक जो केंद्रीय चुनाव की समिति की बैठक होने, यानी आज बहुत हद तक चीजें स्पष्ट हो गई हैं और कल संभवतः संभव है कि ऐलान हो ही जाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम डिटेल्स के लिए आपका, विनोद लांबा।